आईसीआई न्यू कोर्स स्कीम को कब इंप्लीमेंट करेगा तो न्यू कोर्स स्कीम के इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो कंप्लीट क्लेरिफिकेशन है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा सभी लेवल के स्टूडेंट्स चाहे वो सीए फाउंडेशन के हो या सीए इंटरमीडिएट के हो या सीए फाइनल के हों सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ईगरली इस बात का वेट कर रहे हैं कि आईसीआई न्यू कोर्स की स्कीम को कब इम्प्लीमेंट करेगा तो आइए सबसे पहले न्यू कोर्स स्कीम से रिलेटेड आईसीआई ने जो अनाउंसमेंट शेयर की थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये जो अनाउंसमेंट है ये आठ फरवरी दो हजार तेईस को वेबसाइट पर रिलीज की गई क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था था, तो आईसीआई को एक डिसीजन लेना था क्योंकि छत्तीस हजार ज्यादा बच्चों ने यानी कि से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपने फाउंडेशन को क्लियर किया था और अब उन्हें तो जो भी सी इंटरमीडिएट और सी फाइनल के कैंडिडेट्स जो की नवंबर दो के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके जो एग्जाम है वो एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत ही कंडक्ट किए जाएंगे तो यानी कि आईसीआई ने 8 फरवरी 2023 को अपने अनाउंसमेंट के द्वारा ये क्लियर कर दिया था कि सी इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के नवंबर 2023 के जो एग्जाम हैं वो एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत ही कंडक्ट किए जाएंगे लेकिन इस अनाउंसमेंट के अंदर आईसीआई ने सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं किया था और इस बात से बहुत सारे सी फाउंडेशन के स्टूडेंट आज भी परेशान है इसके बाद चैनल पर हमने आपको जो सी अनुपम शर्मा सर ने अपने ट्वीट के द्वारा अपडेट जारी किए थे वो भी हम ने आपको चैनल पर प्रोवाइड किए थे तो आइए मैं आपको सी एन उपम शर्मा सर के जो लेटेस्ट ट्वीट है वो शेयर करता हूँ बच्चों सी एन उपम शर्मा सर का ट्विटर हैंडल है और सी एन उपम शर्मा सर कॉन्क्रेंट बैंक ऑडिटर है आईसीआई के और सर के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्वीट के थ्रू क्वेरीज पूछी है तो मैं आपको वो शो करता हूँ तो जब आप रिप्लाई सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर 24 मार्च को सर ने ये ट्वीट शेयर किया है तो इस ट्वीट के नीचे आप देखेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरीज रेज की है जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि अश्विनी ठाकुर ने ये क्वेरी रेज की है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी उसके बाद रजनीश कुमार एक स्टूडेंट है जिन्होंने की चौबीस मार्च को ही ये क्वेरी की सर विल न्यू कोर्स भी अवेलेबल फॉर दिसंबर टू फाउंडेशन तो सर क्या सी फाउंडेशन के दिसंबर दो के लिए न्यू कोर्स इम्प्लीमेंट हो सकता है और इसके बाद भी यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बहुत सारी क्वेरीज की और जैसा कि मैंने आपको पहले शेयर किया था कि सर ने अपने ट्वीट के थ्रू ये गाइड किया था कि आईसीआई फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले न्यू स्कीम के ऊपर अपना वर्डिक्ट शेयर करेगा तो यानी कि आईसीआई को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले यानी कि 31 मार्च तक इससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो हम लोगों के साथ शेयर करना था तो वही बात यहाँ पर सिंघानिया एक स्टूडेंट ने की है सर यू टोल्ड अस बाई थर्टी फर्स्ट वी विल बी नोटिफाइड की सर आपने कहा था कि 31 मार्च तक हम लोगों को न्यू स्कीम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी लेकिन

स्कीम में जो आर्टिकलशिप है वो थ्री इयर्स की है लेकिन आईसीआई ने न्यू स्कीम के अंदर टू इयर्स की आर्टिकलशिप रखी थी और सीए फाइनल के बाद वन ईयर की कंपलसरी पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग रखी थी तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है और आईसीआई ने इसको क्लियर कर दिया है यानी कि ट्रेनिंग के अंदर कुछ बदलाव होने वाला है तो यहाँ पर सर ने शेयर किया है की कि अब सारी हर्डल्स यानी की जितनी भी बाधाएं हैं न्यू कोर्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड वो क्लियर हो चुकी है और अब जैसे ही एमसीए इसके लिए अप्रूवल दे देगा तो उसके बाद न्यू कोर्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपको इश्यू किया जाएगा तो एक प्रॉब्लम तो पर सर ने शेयर किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो कंपलसरी पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग है उसको मंजूरी नहीं दी है तो यानी कि जो आर्टिकलशिप है 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 वो अब इयर्स की ही रहने वाली है. ऐसा इस ट्वीट से क्लियर हो रहा है. लेकिन अभी तक आईसीआई ने इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर शेयर नहीं की है आइए मैं अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज शो करता हूँ उसके बाद हम सी अनुपम शर्मा सर का जो लेटेस्ट ट्वीट है क्योंकि ये ट्वीट जो है ये चौबीस मार्च का है इसके बाद सी अनुपम शर्मा सर ने एक लेटेस्ट ट्वीट भी किया है वो भी शो करूंगा लेकिन उससे पहले जो एक और मैसेज है जो मैं आपको शो करना चाहता हूं जो की न्यू कोर्स स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को क्लियर कर देगा तो उसको हम गो थ्रू करते हैं बच्चों वीडियो आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा की अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों ये वो मैसेज है जो की सी हिमांक सिंगला सर ने अपने इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू शेयर किया है और आप देख सकते हैं कि ये 5 अप्रैल 2023 को इवनिंग में सात बजकर तेईस मिनट पर शेयर किया गया है और सीए हिमांक सिंगला सर ने इसके अंदर यही गाइड किया है एमसीए आर्टिकलशिप प्लस वन ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग फॉर आईसीआई न्यू कोर्स दे हैव सेट टू रिमूव पोस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑल टूगेदर लुकिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट नाउ दैट न्यू कोर्स विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर मे टू ट्वेंटी तो बच्चों सीए हिमांक शिंगला सर ने इस मैसेज के थ्रू यही शेयर किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आईसीआई की जो इयर्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग प्लस वन ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग है उसको रिजेक्ट कर दिया है और साथ में एमसीए ने जो पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग का क्राइटेरिया है उसको रिजेक्ट कर दिया है और अब ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है की जो न्यू कोर्स स्कीम है वो मई दो से इम्प्लीमेंट होगी तो चूंकि ये सीए हिमांक सिंगला सर ने एक मैसेज शेयर किया है लेकिन ये ऑफिशियल मैसेज नहीं

इंटरमीडिएट के अंदर आठ पेपर होंगे और पासिंग क्राइटेरिया जैसा सी फाउंडेशन का है वैसा ही होगा उसके बाद स्टूडेंट्स को थ्री आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद कैंडिडेट को सी फाइनल के एग्जामिनेशन देने हैं उसके अंदर 8 को क्लियर करना है और उसके अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम जो की सभी लेवल के लिए एक जैसा है फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल उसको क्लियर करना है तो यूजीसी ने इसी बेस आरोप एमसीए की रिक्वेस्ट पर सीए डिग्री को पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट का दर्जा दिया था अब चूंकि आईसीआई ने न्यू प्रोपोज स्कीम के अंदर ये सारी ही चीजें चेंज कर दी है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से एमसीए न्यूज स्कीम को मंजूरी नहीं दे रहा है आइए अब जो लेटेस्ट ट्वीट है जो कि सी अनुपम शर्मा सर ने शेयर किए थे उसको गोथरू करते हैं तो बच्चों ये तो चौबीस मार्च का ट्वीट था जो मैंने आपको शेयर कर दिया है आइए अब जो लेटेस्ट ट्वीट है उसको गोथ्रू करते हैं अब लेटेस्ट ट्वीट के लिए आपको वापस से ऊपर ले चलता हूँ अब यहां आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट ने जिनका की नाम सूर्या के है ये तीन अप्रैल को ट्वीट किया था सर एनी अपडेट ऑन सी ए स्कीम तो यहाँ पर अनुपम शर्मा सर ने यही रिप्लाई किया है होपफुली वाइब्रेंट आईसीए विल डिक्लेयर वेरी सुन तो बच्चों अभी तक आईसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है और अभी जो न्यू कोर्स स्कीम की फाइल है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास अप्रूवल के लिए गई हुई है और अभी तक वो पेंडिंग है तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आईसीआई की जो प्रपोज न्यू स्कीम है उसमें किन किन बातों पर अपनी मंजूरी देता है आईसीआई को न्यू प्रपोज स्कीम में क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेगी तो इसका जो फाइनल आउटपुट है इसको आने में अभी

एग्जामिनेशंस में इजिली अपियर हो सके टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जय श्री श्याम